बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, थैंकफुली बारिश नहीं हो रही है, तो जाते हैं। पानी लग रहा है ठंडा नहीं हुआ, कल हम गए थे थोड़ा सा तो इतना ठंडा नहीं था पानी, तो थोड़ा सा पानी में एंजॉय करते हैं इससे पहले कि बारिश आ जाए। चलो, मेरा कबीर सिंह वाला हेयर स्टाइल थोड़ा इग्नोर किया जाए, गंदा सा लुक इग्नोर किया जाए, बिकॉज अभी सो के उठ के आए हैं बस, तो नहाने से पहले सोचा थोड़ी देर बीच पर चले जाते हैं। एंड जैसा मनप्रीत ने बोला, पानी ठंडा नहीं था, ठीक था, ज़्यादा साफ नहीं है, दूसरे वाले बीच पर भी जाएंगे, बट एक बार जिस रिजॉर्ट में रुके वहाँ भी तो इन्जॉय कर लें थोड़ा। पास ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्विंग है, ये रात को लाइट जलती है इसमें, हमने कुछ शॉट्स लिए थे कल उसके, अगर हो सका तो हम डाल देंगे। तो बहुत सरीन जैसे होता है ना, प्रॉपर वो वाला एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, कि आप इंजॉय करो यहाँ पे, शांति से बैठो, जो ये हैं वेव्स इनको इंजॉय करो, तो मुझे इंजॉय करने दो। अब मनप्रीत का मुझे रिएक्शन देखना है, क्योंकि मे भी ये ठंडा पानी हो सकता है। नहीं, ठंडा नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं है, मेरे को नहीं था। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो स्विमिंग नहीं आती, जो हर बार आप सुनते हो, हर बार यही हमसे सुनते हो कि स्विमिंग सीखेंगे सीखेंगे, बस एक साल हो गया। कनाडा में अगर रहना है तो स्विमिंग और ड्राइविंग बहुत जरूरी है, जो मुझे दोनों ही नहीं आती। रहना नहीं है, मतलब रहना नहीं है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है अगर तुमने, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज होती है इतनी लेक्स है यहाँ पे एक तो आपको हर प्रॉपर्टी लेक पे ही मिलेगी, तो आपको वहाँ इन्जॉय करना, तो आपको स्विमिंग चाहिए। एंड कुछ जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी एक होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप स्विमिंग जानते हो, राइट, और ड्राइव करके जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो थैंकफुली मेरे पास ड्राइविंग के लिए तो है ऑप्शन। फिर भी ड्राइविंग मनप्रीत को तो सीखनी है ना, और बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे हैं, शर्म आ रही है मेरे को, कूद कूद के वो इन्जॉय कर रहे हैं। रिस्क नहीं लेना ना, आगे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा डीप वाला नहीं है, आगे अगर जाएंगे 30-40 मीटर वाटर है, बट वही है कि 30-40 मीटर तक जा सकते हैं, डूबेंगे तो नहीं। मुझे सबसे ज्यादा फियर ये लगता है, जैसे ये पानी ना थोड़ा सा हेजी है, क्योंकि नीचे बहुत सैंड है, तो यहाँ पे मुझे लगता है जब तक पानी दिख नहीं रहा ना क्लियर, कोई मुझे काट सकता है आगे, कोई ऐसा मछली आ गई या शार्क तो नहीं आई यहाँ पे, कोई ऑक्टोपस आ गया वो मेरे को काट सकता है, तो दिखना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे, तो मुझे पानी क्लियर दिखता नहीं है, तो हम नहीं जा रहे। मजाक मजाक में बहुत आगे आगे, ये आसपास है, यहाँ पे एक क्लियर बीच भी होगा, वहाँ पे जा सकते हैं, देखेंगे। बट ये बहुत अच्छा है, मतलब जिसको स्विमिंग आती है उसके लिए तो बहुत सही है वाला, जन्नत है, जन्नत। और एक्चुअली में प्राइवेट बीच है, इस रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच है, एक साथ में दिख रहा होगा राइट में एक और बीच है, वो किसी के घर का है प्राइवेट बीच, तो वहाँ पे उसने लगाया हुआ है नो एंट्री प्राइवेट बीच, वी आर आल्सो ऑन प्राइवेट बीच अपने साइड। अब थोड़ा सन बाथ भी कर लेते हैं, थोड़ा गीले हो गए थे ज़्यादा ही, बट मैं बोलूँगा कि मैं इस रिजॉर्ट से सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज बीच हाउस वाला अगर आपने हमारा व्लॉग देखा होगा तो वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट हो गई थी उससे। उसके बाद हमने एक मस्कोका में किया था, वो भी हमने यही सोच के किया था कि पानी के किनारे होगा, बट उसमें हमारा पोपट हो गया था उसमें सही हमारा कट्टा हुआ था, और वो पानी के किनारे नहीं था, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था उससे। और वो कैबिन था छोटा सा, मनप्रीत को अच्छा लगा था, मुझे नहीं लगा था, मुझे इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि ये भी पानी के किनारे नहीं होगा, बिकॉज वो पिक्चर्स ऐसे डाल देते हैं एयरबीएनबी में कि ऐसा लगता है कि बस बीच पे ही है ये घर, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है 5 मिनट्स वॉक टू बीच। ऐसे तो 5 मिनट्स अवे वाटरफॉल भी हमारे घर से 5 मिनट्स ड्राइव है, 5 मिनट्स वही ना, 5 मिनट्स अवे में तो बंदा क्या सोचेगा, वॉक है, ड्राइव है, क्या है। बट हाँ, ये वाला परफेक्ट है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, 2 घंटे की ड्राइव है यार हमारे घर से, सतन एरिया जॉर्जिना एरिया है, प्राइवेट बीच है, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि और कोई बंदा नहीं आ सकता यहाँ पे, जो बैंड हमने बताए थे कल वाले व्लॉग में, सो वो बैंड पहन के आ सकते, हम पहन के नहीं आए, वो ज्यादा लोग है नहीं, तो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है दिनों के हम यहाँ रुके हुए हैं।
और फायरवर्क्स वगैरह भी किए थे, सर्विस अच्छी है, सब गुड है। तो हम ये सोच रहे थे, हमने पूछा कि ये बुकिंग मिलती क्यों नहीं है हमें इसकी। तो मुझे कल पता चला लोग क्या करते हैं, जैसे इस साल आए ना तो उनको पता होता है अगले साल भी यही लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, तो अगले साल की बुकिंग पहले ही करके चले जाते हैं। ये रीज़न है कि हमें एयरबीएनबी पे बुकिंग नहीं मिलती है। बट हम ये सोचते हैं कि हम हर साल इसी सेम रिजॉर्ट में क्यों आएंगे, राइट? बट वो आना पड़ता है बिकॉज अगले साल आप ट्राई करोगे ना बुक करने की मिलेगी नहीं। सो इसलिए मे भी वो हर साल की बुकिंग पहले ही कर जाते हैं, जो पसंद आता है। जैसे पहले वाला बीच हाउस अच्छा था, वो कर सकते हैं, रिकरिंग हर साल जा सकते हैं, इसमें भी हर साल आ सकते हैं। तो कर लिया पानी वानी में एंजॉय कर लिया, ड्रोन शॉट ले लिए, मस्त मस्त ड्रोन शॉट आए थे बिकॉज धूप निकली हुई थी। अब थोड़ी पेट पूजा करने जा रहे हैं बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत टाइम है हमारे पास, कहीं जाना तो है नहीं, चिल्ली मारना है और मनप्रीत को थोड़ी भूख लगी है। हाँ, ऐसे होना चाहिए, वेकेशन पे आए हैं तो चिल करो। सो लंच करने जा रहे हैं, अम्ब्रेला ले लिया बिकॉज आज रेन की प्रेडिक्शन है, कल जैसे हुई थी रेन, आई होप ना हो, बट अगर हुई तो ठीक है, हम इमरजेंसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। और दो तीन हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट फाइंड आउट करे हैं, रेटिंग जिनकी अच्छी है, ग्रीक फूड है, एक फिश एंड चिप्स है, एक इटालियन है। मैं कह रहा हूँ कि टेक अवे लेके हम बीच पे आके खाते हैं, मनप्रीत कह रही है नहीं, वहाँ पे जिसमें पैटी होगा वहीं पे खाएंगे। अब तीनों में हमें जाना पड़ेगा जो आसपास है, 2 किलोमीटर की रेंज में है, वहाँ पे सब में हम देखेंगे जिसमें पैटी होगा उसमें जाएंगे। फोन वो उठा नहीं रहे हैं, नहीं तो हमारा ट्रिप बच जाता। मनप्रीत जी बोल रही है करना ही पड़ेगा, वेकेशन है तो पैटियों में बैठ के एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो घर पे या रूम में लाके तो फिर भी खा सकते हैं। राइट चलते हैं, या फिर रस्ते में अगर तीनों पे पैटी नहीं हुआ तो किसी और बढ़िया वाले बीच पे, ये वाला तो हमने एंजॉय कर लिया अपना वाला, बढ़िया वाला बीच पे जाके खा लेंगे। चलो तो प्लान चेंज हो गया है, पहले हम सोच रहे थे कि हम पैटियो पे जाके लंच करें, बट मौसम इतना अच्छा हो रहा है एंड बीच हमने देखा है वहाँ पे लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, तो हमारा भी अब वही मन डोल गया है वहाँ पे कि हम खाना पैक कराएं और बीच पे जाके खाएं। बिकॉज हम नॉर्मली जब होते हैं अपने एरिया में घर के पास तो हम स्पेशली जाते हैं बीच पे, अब जब हम यहाँ पे हैं ही तो क्यों ना जाएं, राइट? और छतरी और चट्टाई तो हमारे पास परमानेंट रहती है, और मनप्रीत की ब्लू छतरी, मनप्रीत की ब्लू छतरी, राइट। और पैटियो पे शाम को चले जाएंगे तब थोड़ा माहौल भी ऐसा होगा, लाइट्स वाइट्स ऑन होंगी तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अगर फूड अच्छा नहीं हो रहा तो मेरे को डांट पड़ने वाली है बिकॉज मैंने सजेस्ट करा था कि ग्रीक फूड करा लेते हैं, टेक अवे ले लेते हैं। हाँ, बट यार यहाँ पे छोटा सा टाउन है, कुछ भी मिल रहा है वही बहुत है, ज्यादा ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे। और हम सुबह से भूखे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, सो अभी 4 बजे जो यहाँ के लोग हैं लोकल्स उनका डिनर टाइम हो जाएगा, हमने अब तक कुछ नहीं खाया सुबह से, ऐसे पतले होते हैं, मजाक तो ना। फाइनली मिल गई हमें, हमने कम से कम 10 चक्कर काटे होंगे इस पूरे एरिए के, अब फाइनली मिल गया, इससे पहले बंद हो जाए ऑर्डर करते हैं आके। बताओ जी क्या हुआ? तो लंच वगैरह ले लिया है हमने, बट बारिश आ गई है तो मनप्रीत की ब्लू छतरी के नीचे बैठने वाला प्लान कैंसिल। अब बैठ सकते हैं, अभी क्या बुरा है, चलो अपने अपने प्राइवेट बीच पे चलते हैं, जो रिजॉर्ट का बीच है उसी पे चलते हैं, ज्यादा अभी ना खतरों के खिलाड़ी अभी कोई रिस्क नहीं लेते। हाँ। कल आ जाएंगे दोबारा। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, भगवान ने सजा दी है। मैंने पहले बोला था कि हम पैटियो पे जाके खाएंगे, तुमने मना किया था, वही पैटियो पे भी बारिश हो रही होती तो फिर भी वहाँ पे कवर्ड होता है, हम एंजॉय कर रहे होते अब तक। ठीक है, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। सो जी बैक टू द कॉटेज, और बहुत तेज भूख लगी है, उसका शॉट हम बिल्कुल नहीं डालेंगे बिकॉज हमें इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना, 4 बज चुके हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अगर हमने वो शॉट डाल दिया तो आप हमें कभी देखोगे नहीं आगे। तो मिलते हैं, खाना वाना खा के एंजॉय करते हैं, शाम को आई एम होपिंग के बारिश रुक जाएगी एंड देन हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे, खाना खा रहे हैं बस। ग्रीक फूड में पता नहीं क्या नशा था। ग्रीक फूड का ये है बेनिफिट, हम मनप्रीत और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, एज इन ऐसा नहीं होगा कि आपने बटर चिकन कहीं से लिया वहाँ से ठीक है और अगली जगह से बहुत अच्छा है, तो बहुत सिमिलर ही होता है, किसी भी आप उससे ले लो जॉइंट से, कंसिस्टेंट रहता है। हाँ, कंसिस्टेंट है और अच्छा ही रहता है, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, खा नहीं पा रहे, तो ये अच्छी बात है। और ये भी हम कह रहे थे कि कनाडा में मतलब इतने ऑप्शंस होते हैं ना और हर जगह ऑथेंटिक मिलता है, ये हमने बहुत वीडियोस में बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आके रहे हुए रहते हैं तो उनको पता होता है एक्चुअल टेस्ट ऑथेंटिक कैसे बनाना है। सो उस वे में लाइक हम बहुत एंजॉय करते हैं, हमें ग्रीक मिल जाता है, इजिप्शियन मिल जाता है, मतलब हर तरह का फूड आप ट्राई कर सकते हैं, सब में मोस्टली वेज ऑप्शन होता है, तो मैं तो वेज खाती हूँ तो मैं
मतलब फिशिंग चिप्स के अलावा? हाँ, मोस्टली आई थिंक फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये वक्त फैमिली रेस्टोरेंट था, ऑब्वियसली फ्रेश ही बनाते हैं। अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, सनसेट एंजॉय करते हैं जिससे पहले दोबारा बारिश आ जाए। धूप निकली है, मस्त था। सो के आइए वन पी थोड़ी देर, मजा आ गया, नींद आ रही थी मस्त। और जब मैंने ये डिसाइड किया था यहाँ पे आना है हमने जॉर्जिना, मैंने ये देखा था कि जॉर्जिना आइलैंड पे भी जाना है। आइलैंड आई थिंक बंद है अभी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, लेकिन वो बड़ा सही होता, आगे है आइलैंड, पास में ही है, फेरी जाती है उसमें, गाड़ी आपकी फेरी में जाएगी और फेरी आपको लेके जाती है। फर्स्ट नेशन आइलैंड है वो, बट जा सकते हैं, एक छोटा सा आइलैंड है। कल देखेंगे, अगर कल हमें मिल गई वहाँ पे ट्राई करेंगे, फेरी मिल गई तो चले जाएंगे ट्राई कर लेंगे, बट वेबसाइट पे तो लिखा हुआ था बंद है। तो दो आइलैंड है यहाँ पे, आई थिंक जॉर्जिना है एक और है, विक्टोरिया है कुछ है, मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा। तो नॉर्मल डेज में जब आप आओगे तो यहाँ पे तो एंजॉय कर ही सकते हो। एक प्रोविंशियल पार्क भी है उसमें हम जाएंगे और फिर आइलैंड पे भी जा सकते हो। हमने यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो आता है वो यहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं। हाँ, है सो वो मतलब कि ऑब्वियसली यार इतना, बिल्कुल आप बीच हाउस पे हो तो आप यहीं एंजॉय करना चाहते हो, बट हमें तो आदत है कि जहाँ हम जाते हैं हम और चीज़ें भी कवर करते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें हम सारे। तो वो बहुत हैरान हुई, कह रही जॉर्जिना आइलैंड, कहते किसने पूछा नहीं आज तक मुझसे, बिकॉज नॉर्मली लोग यहाँ आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, साथ में बैठ के शांति से पढ़ते हैं या कायक करते हैं, वहाँ मतलब यार यहाँ पे वाटर स्पोर्ट करते हैं ना। अब हम गरीब आदमी जिसको स्विमिंग नहीं आती, जिसके पास बोट नहीं है, जेट स्की नहीं है, वो तो बोर हो जाएगा ना। जिनके पास है वो तो बहुत आइटम करते हैं, कभी कायक कर लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। थैंकफुली बारिश रुक गई है, हम बिल्कुल बीच के पास आके लेट गए हैं यहाँ पे पूल बेंच पे। अब व्यू देखो कितना अमेजिंग है। मैं नहीं बोल रहा कैमरा दिखाओ। तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि हम लोग जैसे, हमारे ऐसे बहुत लोग और होंगे जो मे बी इंडिया में या किसी और कंट्री में हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, राइट? तो हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ कितनी ईजी हो गई कि हम घर से काम कर रहे हैं, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, बट मेंटल स्ट्रेस हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज आप काम तो उतना ही कर रहे हो। आई थिंक आई वुड से मोर देन दैट, आप उससे ज़्यादा ही कर रहे हो। एंड कई ऑफिस में ये बात भी कर रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो नथिंग लाइक दीज गेटवेज, एंड थैंकफुली ओंटेरियो में ये चीज़ है, कनाडा में ये चीज़ है कि आप कहीं भी शॉर्ट गेटवे पे जा सकते हो, 2 hours 2.5 hours की ड्राइव पे, एंड यू कैन गेट अ व्यू लाइक दिस, क्योंकि यहाँ इतनी सारी लेक्स हैं, राइट? तो मतलब एक रिलैक्सिंग होना ही चाहिए वीकेंड, कभी ना कभी आप ट्रैवल करो, फैमिली के साथ हो तो टाइम स्पेंड करो, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करो, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटल स्ट्रेस पे मैं बोलूँगा कि कई लोगों को लगता होगा कि हम घर से काम कर रहे हैं, कितना हाँ। सही है, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा, हम घर पे ही बैठ रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पेट पे लैपटॉप रख के और सोते हुए बेड पे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका घर से बाहर निकलना कितना कम हो गया, आपका सोशल इंटरेक्शन कितना कम हो गया है, सो वो चीज़ स्ट्रेस में ऐड होता है, वो पता नहीं चलता एक्चुअली में। जब आप बाहर जाओगे ना, जब रीसेट करोगे सब कुछ, जब आपके माइंड में ऑफिस का कुछ काम नहीं चल रहा होगा, आप कोई और नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके आके ऐसी वेकेशन पे कट ऑफ हो जाते हो सारी चीज़ों से, तब रियलाइज होता है कि आपके घर से काम करने के बावजूद कितना स्ट्रेस था। तो ऐसे बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ओवरनाइट स्टे मत करो, आसपास कहीं जरूर जाना चाहिए, ओवरनाइट स्टे चले जाओ, हाँ। कुछ भी करो, बट एटलीस्ट थोड़ा माइंड रिलैक्स होना जरूरी है। हमने सोचा था कि हमें पता था ये चीज है, स्ट्रेस है इस चीज का, बट वही है कि लॉन्ग वीकेंड नहीं आ रहा था, फिर मेरा हेल्थ इश्यूज था, फिर बुकिंग नहीं मिल रही थी, बिकॉज अब सब लोग बाहर जाने लग गए हैं ओंटेरियो में, तो बिल्कुल बुकिंग मिल ही नहीं रही कहीं भी, जहाँ भी मिल रही है एडवांस में पहले ही करा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अक्टूबर में जाना है ना, पहले ही एडवांस में बुक करा लो, नहीं तो मिलने नहीं वाला कुछ भी। बस अब थोड़ी देर और इन्जॉय करते हैं, फिर फाइनली मनप्रीत को पैटियो में लेके जाऊंगा मैं। हाँ यार, पैटियो में दोपहर को नहीं जा पाई, अब लेके जाएंगे, और अगर वहाँ पे खाना सही नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर लूंगा मैं, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। प्रॉपर अमेजिंग सेटअप कर लिया, ये कल इस पर वर्क कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है, आप देखो लाइट्स वगैरह, ये फोटोज क्लिक कराने के लिए इट्स लाइक अ फोटो बूथ, आई डोंट नो कहाँ पे प्लेस करेंगे, बट हमने पहले ही क्लिक करा लिए। और ये है रिजॉर्ट का नाम, अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप यहाँ आना चाहते हो, इट्स अ नाइस अमेजिंग गेटवे, ज़रूर आओ यहाँ पे, एंड यहाँ बहुत सारे फोटोज क्लिक कराएंगे हम फॉर श्योर। एंड 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, एंड अब हम जा रहे हैं खाना खाने, लग नहीं रहा होगा देख के, बिकॉज अभी भी दिन है। ये ब्यूटी होती है कनाडा की कि आप समर्स में भी लेट तक इन्जॉय कर सकते हो बिकॉज दिन रहता है। तो चलो, भूख लग गई अब। I keep repeating overgrown I पैटियो 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 जान खा रखी थी मनप्रीत ने पैटियो, अब पैटियो पे चलते हैं देखते हैं, क्योंकि मुझे पता था जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं होती
उसका खाना इतना अच्छा नहीं होता, और पैटियो में ठीक है, थोड़ी सी फील आएगी। फोर रेटिंग है टाउन के हिसाब से, ठीक है, एक दो पैटियोज हैं, बारिश भी हो रही है, और एक ही पैटियो है जो आज 12 बजे तक खुला है, सब बंद हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा सब लोग जल्दी खा लेते हैं ना, हमारा तो दिन ही 9 बजे होता है। तो देखते हैं, या सिर्फ फील मिलती है या अच्छा खाना भी मिलता है, आज देखते हैं। यू आपको लग रहा होगा कि ये डिजाइन है, मुझे भी लगा था, बट ये तो कीड़े बैठे हैं बहुत सारे। थोड़ा सा मूड खराब हो गया, बिकॉज जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सारे इंसेक्ट्स जो चिपके हुए हैं ऐसे ऐसे, वहाँ भी बाहर पैटियो पे बैठे हुए थे, तो यार ऐसे मैं नहीं खा सकती, पता नहीं लोग कैसे बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो आप कुछ टेक अवे का ऑप्शन देखते हैं, अगर कुछ मिलता है, नहीं तो फिर भूखे सोना पड़ेगा आज, नहीं तो मैगी है हमारे पास, मैगी खा लेंगे, देखते हैं। बट नहीं यार, ऐसे नहीं खा सकती मैं बाहर बैठ के, कि जहाँ चलो उनकी भी गलती नहीं, कीड़े वीड़े हैं वो हैं तो क्या कर सकते हैं, बट सो हमारा आखिरी ऑप्शन जो था वो था पिज्ज़ा हट या फिर डोमिनोज। थैंकफुली ये खुला हुआ है 11 बजे तक, तो यहीं से ले लेते हैं, यही होता है सहारा एक। तो गरम गरम पिज्ज़ा आ चुका है, खाते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स है और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है ये हमारे पास यहाँ पे। फिर सुबह जल्दी उठ के चेकआउट भी करना है एंड आसपास चीज़ें कवर करनी है। तो कल के व्लॉग में मिलते हैं, टिल नेक्स्ट टाइम स्टिक अराउंड।